आज श्रीनगर के जहांगीर चौक इलाके में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मिस्टर एजाज असद के हाथों द स्टडी स्पेस 24x7 स्टडी सेंटर का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स की कौम को सख्त जरूरत है ताकि हमारी नौजवान नस्ल आज जिस तरह मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनसर है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके आदि बन चुके हैं और ऐसे मौके पर ऐसे इनिशिएटिव्स की कौम को सख्त ज़रूरत है। इस मौके पर द स्टडी स्पेस के बानी एडवोकेट अफसाना ने बताया कि बहसती एडवोकेट में जानती हूँ कि हर दिन कोई ना कोई नौजवान किसी न किसी जुर्म में मुलविस होता है और अगर ऐसे ही ये सिलसिला बरकरार रहता है तो आने वाले वक्त में हमारी कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एडवोकेट अफसाना ने बताया कि वालदेन को चाहे कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा आदि न बनाएं और उनकी हर एक हरकत पे नज़र रखें ताकि हम अपने बच्चों की सही से तरबियत कर पाएं। एडवोकेट अफसाना ने मज़ीद बताया कि इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा क्यों ना आसपास के नौजवान बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पर वो अपने फारिग टाइम में आ सकें और अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे। उन्हें यह भी बताया कि जरूरी नहीं है कि यहां पर नौजवान बच्चे ही आए बल्कि यहां पर हर कोई वो शख्स आ सकता है जो पढ़ने का शौक रखता हो। देखिए यहां पर आज मगरमल बाग में स्टडी स्पेस के नाम से एक एक्सक्लूसिव रीडिंग फैसिलिटी क्रिएट की गई है जो मैं समझता हूं कि एक मुस्बत कदम है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों को पढ़ाई करने का शौक है, जिनको अलग से स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्बत कदम है। और आज की डेट में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट की वजह से डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स में, वहीं एक्सक्लूसिव स्टडी स्पेस मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह है जहाँ पर मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस और मैक्सिमम स्टडी के लिए एक एजुकेशन हब है। देखिए कश्मीर जो है सूफीज़म और शेविज़म का ये जगह जो है उसका एक हब रहा है। तो रिलीजियस टूरिज्म तो आप वैसे भी देखें पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे आप श्राइन रिलीजियस श्राइन्स को देखें या आप वैष्णो देवी में जो टूरिज़म है वो देखें, अमरनाथ अनवल जो पिलग्रिमेज है अमरनाथ यात्रा की वो देखें आप, उसके बाद हमारी जो यहाँ फेमस सूफी श्राइन्स हैं कश्मीर में दरगाह हज़रत बल, मुझे लगता है कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं होगा जो दरगाह हज़रत बल देखे बिना चला जाता होगा। एक हमेशा चेकलिस्ट में दरगाह हज़रत बल, मखदूम साहब, जितने ये मशहूर ज्यारतें हैं ये सारी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी चेकलिस्ट में होती हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके लिए रिलीजियस टूरिज़्म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि जानी मानी ऐसी ऐसे टूरिज़्म सर्कट्स हैं, रिलीजियस टूरिज़्म सर्कट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, लोग बड़े अकीदतमंद हैं, लोग दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं तो फिर वापस लौट जाते हैं। सर आखिर पे एक सवाल, एनिमल बर्थ कंट्रोल कब पेश लेगा सर, क्योंकि देयर डॉग मैनेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एसएमएचएस में भी रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि डॉग बाइट्स के केस दिन ब दिन ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम भी है और एक बहुत बड़ी चैलेंज बनी हुई है। और डॉग मैनेज का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है तो इसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस काम पर लगा हुआ है, जहाँ पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल में जो कैपेसिटी 10 केसेस पर डे थी उसको 100 किया जा रहा है, तो अन करीब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये ओवरनाइट इस अगर आप ये कहें कि एक दिन में या ओवरनाइट इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया जाए, हम लिविंग क्रिएचर्स के साथ डील कर रहे हैं, एक दिन में ख़त्म ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, एक इसका सिस्टम है, एक नेचुरल साइकिल है, उसी के तहत ये प्रॉब्लम काबू में आएगी। जी दिस इज़ एडवोकेट अफसान बशीर, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और जो हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया है एक एजुकेशन हब के तौर पे, ये एक रीडिंग सेंटर है, इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक लाइब्रेरी में भी कन्वर्ट करेंगे, बट बेसिक में हमने इसको एक रीडिंग सेंटर में खोला है। यहाँ पे हमने केबिन्स रखे हैं, हर केबिन में वी हैव सेपरेट चार्जिंग पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट्स कैन चार्ज देयर मोबाइल्स एज वेल एज लैपटॉप। We have this reading center open for 24x7 as well as they'll get the electricity and Wi-Fi facility.
एंड ये जो इसका जो मकसद था मेन कि ये क्यों मेरे जहन में ऐसा क्यों आया, एक्चुअली एक एडवोकेट होने की हैसियत से मैं बहुत सारे क्राइम्स दिन ब दिन देखती हूँ कि कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में. सो ये प्रॉपर्टी भी कुछ सालों से वैकेंट पड़ी थी, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी तो ये वैकेंट पड़ी थी. तो मेरे जहन में एक अचानक सा एक ख्याल आया, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है. देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ डिफेंस काउंसिल, मिस्टर बासित, एडवोकेट बासित. सो ही सजेस्टेड मी वंस दैट यू हैव प्रॉपर्टी देयर, सो व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दैट इनटू रीडिंग हॉल. तो मैंने इस पे स्टार्ट किया सोचना कि यस बिल्कुल, इफ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू ए रीडिंग हॉल तो कहीं ना कहीं जो है ये एक ऐसा चेन बन जाएगा. हम एक सोसाइटी में एक ऐसा प्रोवाइड करेंगे सेटअप जिससे शायद, या मैंने LLM गुड़गांव से किया हुआ है, आई सॉ वहाँ कि रीडिंग का कितना कल्चर है वहाँ, बच्चे कितना पढ़ते हैं और उस पढ़ाई से कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्राइम से दूर रहते हैं. तो मैंने देखा ड्रग्स का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे नौजवान कितने तबाह हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से. वो ड्रग्स मैं देख चुकी हूँ, मतलब कोर्ट में बहसत वकील, मैं उनकी बेल भी कराती हूँ, बट बहसत इंसान मेरा ज़मीर जो है वो अंदर तक ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस टू आर सोसाइटी, जिसको कि हम पिरवर कहते थे हमारे कश्मीर को. तो ये मुझे बहुत अंदर से चुभता था कि अगर एक बच्चा नौजवान ड्रग्स के साथ जाता था तो कुछ दिन मैं बाद देखती थी इसका फ्रेंड भी इसमें इन्वॉल्व है. सम मंथ्स बाद में देखती थी कि इसके दो बंदे और इन्वॉल्व हो गए. तो मुझे समझ में आ गया जो भी चीज़ होती है एक चेन में स्प्रेड हो जाती है. सो आई थॉट कि अगर यहाँ पे भी एक स्टूडेंट स्टार्ट करेगा पढ़ना तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ अट्रैक्ट करके और चार को लाएगा. सो और मतलब मैं मेरी ये थिंकिंग है कि अगर मैं आज ऐसा कोई इनिशिएटिव लूँगी तो कल को ये मुझे ही काम आएगा कहीं ना कहीं से, कल को हमारी ही जनरेशन आगे चलने वाली है. सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड. बिजनेस तो मैं कोई भी कर सकती थी बट ये मैंने बिजनेस के पर्पज से नहीं किया है, बिकॉज दिमाग में बिजनेस नहीं था, दिमाग में ये था कि कोई ऐसा नोबल कॉज के लिए यूज़ हो जिससे कि सोसाइटी का भी बेनिफिट हो. तो कहा कि ये मैंने बिजनेस के पर्पज से नहीं किया है इंट्रोड्यूस यहाँ पे. हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी दैट इट विल बी 100% फ्री, वो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसका कुछ मेंटेनेंस होगा इसके, मतलब जो हमें अंदर मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे वी विल टेक दोज फ्रॉम स्टूडेंट्स. बट इतना मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि अफोर्डेबल रेट होगा, उतना ही होगा जितना एक मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे खर्च होगा या उनके बाकी फलाओ बहबूद के लिए यूज़ होगा, क्योंकि इतना मैं ऑलरेडी मतलब कर चुकी हूँ. तो उसके बाद से उनको थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या वाईफाई का चार्जेस होता है. बट मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि मेरे जहन में कोई बिजनेस करना नहीं था, ये मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से आर सोसाइटी विल गेट बेनिफिट. कि जो ये जगह है ये मुझे मखसूस लगी कि ये बहुत ही, एक तो ये सिटी के मतलब बीचों बीच है, आप खुद देख चुके हैं इट इज़ लोकेटेड, मतलब जहांगीर चौक में लोकेटेड है, लेकिन एक ऐसा एरिया है या ऐसी मैं लेन कहूँ जो कि बहुत ही खामोश सी लेन है. मतलब यहाँ बहुत वो बिजी रश नहीं है, यहाँ कोई आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, यहाँ से इट इज़ काम एंड इट इज़ पीसफुल एंड इट इज़ एज वेल एज सेफ. तो अगर लड़कियाँ कितना भी लेट तक, हम यहाँ विल हैव ए वॉचमैन हेयर, सो लड़कियाँ लेट भी पढ़ना चाहे, लड़के लेट भी पढ़ना चाहे, वो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं. दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि उनको आने जाने में दिक्कत होगी. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हमें पता ही है कि वो यहाँ पर कितनी, मतलब यहीं पर अवेलेबल है, मतलब जहांगीर चौक हब है. तो उसके अलावा मैंने यहाँ जो केबिन्स हैं उनमें मैंने एक सेपरेट इनको एक लॉकर भी प्रोवाइड किया है, एक स्मॉल लॉकर, सो दैट उनकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं कभी वो नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, तो वो उसमें वो रख सकते हैं. उसमें उनको एक अपना की भी मिलेगा. सो बिल्कुल सेफली मैंने इसमें एक रेस्ट रूम रखा है, ताकि क्योंकि मैं अपना बोलूँगी दिन को कुर्सी पर बैठ कर, शाम को हम नीचे बैठना ही प्रेफर करते हैं. सो मैंने एक रेस्ट रूम रखा है कि जहाँ पर वो अगर चाहे कुर्सी से उठ कर वो ऊपर जा कर वो रेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कैंटीन भी साथ में रख रही हूँ, सो दैट बिकॉज स्टूडेंट्स दिन के लिए पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो घर जाकर दे विल हैव देयर मील्स, सो दे कैन टेक मील्स फ्रॉम हेयर. और साथ साथ में यहाँ मैं कुछ टाइम बाद में लाइब्रेरी भी स्टार्ट करूँगी, बट एज एन इनिशिएटिव मैंने खाली रीडिंग हॉल का स्टार्ट किया है. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि व्हेन इट विल बी फंक्शनल एंड अगर स्टूडेंट उनको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा. जी, ये तो फंक्शनल समझे आप, ये RC हो गया, ये DC साहब ने इनॉग्रेट किया तो ये फंक्शनल हो गया. रजिस्ट्रेशन के लिए दे विल कम ऑफिस, वी हैव रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है,
है, दे सिंपली हैव टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उनको सिंपली एक अपना आधार कार्ड का जेरोक्स हमें प्रोवाइड करना होगा फॉर सेफ्टी मेजर्स. बाकी हम हर चीज़ यहाँ हमें मतलब अवेलेबल है इस टाइम. दे कैन कम एंड दे कैन सिट एंड दे कैन रीड. 24/7 या ये 24/7 ओपन रहेगा. मैम एक सवाल रहेगा मेरी तरफ से, आप जहाँ इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ज्यादा स्टूडेंट्स मोबाइल की तरफ रागिब रहते हैं, पेरेंट्स भी जो है बच्चा जन्म लेता है मोबाइल का उससे ज्यादा कनेक्शन रहता है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से पेरेंट्स, क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लिया इसके लिए हम आपको मुबारकबाद कहते हैं, क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से पेरेंट्स के कि कैसे वो अपने बच्चों को ये कनेक्शन जो है मोबाइल फोन के साथ इससे थोड़ी दूरी रखें. जी मैं बिल्कुल आपकी जो बात है मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, और ये मैंने भी देखा है, ना कि किसी दूसरे घर में, मैं अपने ही घर की बात करूँगी, हमारे घर पे भी बच्चे हैं, दे मतलब वो पैदा होते हैं तो उसके बाद ही उनके हाथ में फ़ोन स्टार्ट हो जाता है. और ये बिल्कुल हाँ, फ़ोन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, इंटरनेट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट ऐसा नहीं है कि फुली हम बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दें. बहुत सारे हार्मफुल रीजंस है, बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके बाद में. मेरी पेरेंट्स से यही एडवाइस रहे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आप अपने बच्चे के साथ बिताइए. जब एक पेरेंट खुद अपने बच्चे के साथ वक्त बिताता है, ना उसे किसी स्मार्टफोन की जरूरत है, ना उसे बाहर जाकर मोहब्बत ढूंढने की जरूरत है, जब अपने पेरेंट्स हमें खुद जब है मोहब्बत प्रोवाइड करते. मैंने खुद में देखा, आई एम सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, स्पेशली टू माई फादर, ही इज माई सपोर्ट, ही इज माई बैकबोन. मतलब मैंने खुद देखा है कि बचपन से लेकर आज तक I never needed someone जिससे मुझे अपनी बात करनी पड़े. I have my parents, मैं आराम से जा सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, because उनने मेरे लिए वो platform रखा है. मुझे कभी फ़ोन के को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, because we have family, so मैं family में बैठ कर उनसे बात करती हूँ. So मेरा मानना है कि जितना हो सके अपने बच्चे को वक्त दीजिए, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है.